फर्मेंटेशन इन फर्मेंटेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की अंडर एनारोबिक कंडीशंस बाय स्टेट्स ऑफ फ्रैक्शन, जहाँ पे क्या होता है, जो पाइरूविक एसिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। फर्मेंटेशन क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज की, जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज की जो अचीव की जाती है एनारोबिक कंडीशन से, और यहाँ पे क्या होता है, जो पाइरूविक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। और एंजाइम्स पाइरूविक एसिड डीकार्बोजाइलेज एंजाइम्स पाइरूविक एसिड डीकार्बोजाइलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है कैटालाइज करते हैं इंट्रैक्शंस को, कैटालाइज करते हैं फर्मेंटेशन रिएक्शंस को। देन जैसे ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, कुछ बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम पाइरूविक एसिड। एनिमल सेल में क्या होता है, एन एनिमल सेल आल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, मसल ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब ऑक्सीजन जो है इनएडिक्यूट होती है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, तो पाइरूविक एसिड जो है रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड, रिड्यूस हो जाता है टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH plus H positive, which is deoxidized to NAD positive in both the processes. दोनों लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है, नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। ऑल्सो प्रोसेस आर हैजर्ड्स, मतलब लाइक आइदर जा तो एसिडिक होगा या फिर अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होगी। ऑल्सो प्रोसेस आर हैजर्ड्स, जा तो यहाँ पे आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. Alcoholic fermentation में involved होता है in brewing industry, जो produce करते हैं beverages like beer, rum, whiskey etc. It is done by brewing yeast, Saccharomyces cerevisiae. और एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड द अमाउंट ऑफ शुगर इंक्रीज, सो द फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन जर्मिनेटिंग ग्रेन्स ऑफ बार्ली। क्लियर है ये सारा? तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक फर्मेंटेशन फिनिश होता है।